दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और पिज़्ज़ा शॉप के पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले जाके उन्हें देख लें, वरना ये स्टोरी आपके समझ में नहीं आएगी। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गुल्ली और बुल्ली पिज़्ज़ा शॉप पे आके पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, वहीं गुल्ली नॉनवेज पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है। और जब वो पिज़्ज़ा खाता है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है और वो उठ के दूसरी तरफ चला जाता है। वहीं बुल्ली अपना पिज़्ज़ा ख़त्म करके जब गुल्ली के पास जाता है तो उन दोनों को कुछ अजीब सी स्मेल आती है। और जब वो दोनों देखते हैं तो वहाँ पर कोई बेहोश पड़ा होता है, लेकिन गुल्ली को पता चल जाता है कि ये कौन बेहोश पड़ा है। अब आगे देखते हैं। गुल्ली को पता चल गया है कि ये कौन है, लेकिन गुल्ली बहुत ज़्यादा हैरान है क्योंकि ये सोन द पॉटी बॉय है। लेकिन सोन द पॉटी बॉय यहाँ पे कैसे आया, तो चलिए देखते हैं। एक दिन पहले सोन द पॉटी बॉय इसी पिज़्ज़ा शॉप पे पिज़्ज़ा खाने आया था, क्योंकि सोन द पॉटी बॉय ने भी इस पिज़्ज़ा शॉप का बहुत नाम सुना था। और सोन द पॉटी बॉय नॉनवेज पिज़्ज़ा खाता है, इसलिए उसने नॉनवेज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। लेकिन सोन द पॉटी बॉय को भी नहीं पता था कि इस नॉनवेज पिज़्ज़ा में इंसान का मीट पड़ा होता है। वहीं इस पिज़्ज़ा वाले के पास थोड़ा सा इंसान का मीट पड़ा था, जो कि केवल 2-3 नॉनवेज पिज़्ज़ा के लिए था। इसलिए जब वो वेटर सोन द पॉटी बॉय को पिज़्ज़ा देने के लिए जाता है, तभी वो वेटर सोन द पॉटी बॉय पे हमला कर देता है, जिससे सोन द पॉटी बॉय बेहोश हो जाता है। तो इस तरह से सोन द पॉटी बॉय यहाँ पे आया। मतलब अगर आप कोई नॉनवेज पिज़्ज़ा का ऑर्डर करेगा तो उसमें सोन द पॉटी बॉय का मीट पड़ेगा, मतलब सोन द पॉटी बॉय हलाल होने वाला है। फिर गुल्ली तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ बुल्ली के पास जाता है और बुल्ली के कान में सारी बातें बता देता है। सारी बातें सुनने के बाद बुल्ली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन गुल्ली से कहता है कि अभी सही समय नहीं है, हम नीचे जाके थोड़ा इंतज़ार करते हैं, जैसे ही थोड़ा अंधेरा सा होगा तभी हम दोनों जाके सोन द पॉटी बॉय को बचा लेंगे, और साथ ही साथ अगर कोई पिज़्ज़ा खाने के लिए आएगा तो हम उसे वापस लौटा देंगे। और ये बात बुल्ली मान लेता है। फिर गुल्ली और बुल्ली वहाँ से नीचे उतर जाते हैं और अपने स्कूटर के पास जाके खड़े हो जाते हैं, और वो दोनों शाम होने का इंतज़ार करने लगते हैं। और साथ ही साथ वो ये भी देखते हैं कि कोई यहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए ना आए। थोड़ी देर बाद जब अंधेरा सा होने लगता है तो गुल्ली और बुल्ली बड़ी सावधानी से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। जब गुल्ली और बुल्ली ऊपर की तरफ पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पिज़्ज़ा शॉप पे कोई भी नहीं है, लगता है सब कमरे के अंदर है। फिर गुल्ली और बुल्ली बड़ी सावधानी से सोन द पॉटी बॉय के पास पहुंचते हैं। जब वो सोन द पॉटी बॉय के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सोन द पॉटी बॉय बेहोश पड़ा है और उसके सर से खून भी निकल रहा है। फिर गुल्ली सोन द पॉटी बॉय को बाहर की तरफ खींचता है और उसे खींचता हुआ स्कूटर के पास ले जाने लगता है। लेकिन गुल्ली और बुल्ली को ये नहीं पता कि इस पिज़्ज़ा शॉप का जो मालिक है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, और अगर उसने देख लिया कि गुल्ली बुल्ली सोन द पॉटी बॉय को खींच के ले जा रहे हैं तो वो गुल्ली और बुल्ली को भी नहीं छोड़ेगा। और फाइनली गुल्ली और बुल्ली सोन द पॉटी बॉय को स्कूटर के पास लेके आ जाते हैं। वहीं उस पिज़्ज़ा शॉप का मालिक उस तरह जाने लगता है जहाँ पे सोन द पॉटी बॉय बेहोश पड़ा था, क्योंकि ये मालिक अगले नॉनवेज पिज़्ज़ा के लिए मीट तैयार करना चाहता है। और जब वो उस जगह पे आता है जहाँ पे सोन द पॉटी बॉय बेहोश पड़ा था तो वो देखता है कि सोन द पॉटी बॉय वहाँ पे नहीं है। फिर वो इधर उधर देखने लगता है कि सोन द पॉटी बॉय कहाँ गया, और फिर वो सोन द पॉटी बॉय को देखने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ता है। थोड़ी देर बाद गुल्ली बुल्ली और सोन द पॉटी बॉय उसे दिखाई दे जाते हैं, लेकिन गुल्ली और बुल्ली उस कसाई को नहीं देख पाते हैं।
फिर वो शॉप का मालिक जो कसाई होता है बड़ी सावधानी से गुल्ले बुल्ले के पास जाने लगता है ताकि गुल्ले बुल्ले को कुछ पता ना चले। जैसे वो शॉप का मालिक सीढ़ियों के पास आता है तभी गुल्ले की नज़र उधर पड़ जाती है और वो देख लेता है कि वो कसाई यहाँ पे आ रहा है। फिर तुरंत गुल्ले बुल्ले से कहता है, बुल्ली वो देखो इस शॉप का मालिक यहाँ पे आ रहा है और उसके हाथ में हथियार भी है, हमें जल्दी से सौंदा पोटे बॉय को लेके निकलना पड़ेगा। फिर तुरंत गुल्ली और बुल्ली सौंदा पोटे बॉय को स्कूटर पे लेके बैठ जाते हैं और स्कूटर चलाने लगते हैं। लेकिन गुल्ली और बुल्ली को ये नहीं पता कि इस कसाई के हाथों से कोई नहीं बच पाया है। जैसे ही गुल्ली और बुल्ली अपने स्कूटर लेके थोड़ा आगे ही पहुँचते हैं तभी वो कसाई अपना हथियार फेंक के मारता है और वो हथियार स्कूटर के टायर में जाके लगता है, जिससे उस स्कूटर का टायर फट जाता है और गुल्ली बुल्ली सोन उस स्कूटर से नीचे गिर जाते हैं। ये देख के वो कसाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे एक इंसान की मीट की जगह आज तीन तीन इंसानों का मीट मिलने वाला है। फिर वो कसाई गुल्ली बुल्ली और सौंदा पोटे बॉय की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो क्या दोस्तों, ये कसाई सौंदा पोटे बॉय के साथ साथ गुल्ली बुल्ली का भी कीमा बना देगा या फिर गुल्ली और बुल्ली कोई तरकीब लगा के सौंदा पोटे बॉय के लेके बच के निकल जाएंगे, ये देखेंगे हम अगले पार्ट में। ये वाला पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि अगला पार्ट आपको तुरंत मिल जाए। अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।